नगीना, नगीना, कोई है तो नहीं? नहीं तो? बात क्या है? जो तुम चाहती थी मैंने कर दिया। क्या? राणा रघुवीर आज से हमेशा अपनी पत्नी जमुना से नफरत करेगा। वो कैसे? बड़ी गहरी चाल है। और सुनो, कल रात एक अजनबी मेरे पास नौकरी के लिए आया था। वो दिल का मरीज था, उसे दौरा पड़ा और मर गया। मैं पुलिस को खबर देना चाहता था, लेकिन अचानक मुझे एक चाल सूझी। वो डील डॉल में मेरे ही जैसा था। मैंने उसे अपने कपड़े पहनाकर एक ऐसी तरकीब की है कि लोग समझेंगे वो मेरी लाश है। इस वक्त उसकी लाश मेरे मकान के बरामदे में पड़ी है। लाश के सीने पर मेरी बंदूक है और पास ही मेरा लिखा हुआ आखिरी खत राणा रघुवीर की पत्नी और मेरी मालकन जमुना देवी के नाम। खत में क्या लिखा है? खत में क्या लिखा है जानना चाहती हो? अभी बताता हूँ, आओ। मरने वाले की तस्वीर यही है। राणा रघुवीर और उनकी पत्नी जमुना देवी आवे। यही है जमुना देवी? हाँ, बड़े पैसे वाली औरत है। 3 साल हुए इन दोनों की शादी हुए। आपकी जायदाद के मैनेजर मिस्टर हरिचंद की मौत पर मुझे बहुत अफसोस है जमुना देवी। आप उसकी सूरत न देखें तो अच्छा है। गोली से चेहरा ऐसा फट गया कि आप पहचान भी नहीं सकेंगे। ये खत आपके नाम है। इस हादसे की बिना पर मेरा इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। शौक से पढ़िए। मेरी आका, मेरी मालिक जमुना देवी, यकीन है मेरी मौत का आपको बहुत रंज होगा, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आगे पढ़िए। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और अपनी मोहब्बत सीने में छुपाए सारा जीवन काट देता, लेकिन पिछले चंद महीनों से हालात बदल गए हैं। आप दिन ब दिन मेरे करीब आ रही हैं। ये जानकर हो या अनजाने, अंजाम आपकी बदनामी है। काश कि आपने एक ऐसे इंसान से शादी न की होती जिसे आप खुद नहीं चाहती। और सच भी है, ऐसे निकम्मे को कोई नहीं चाह सकता। लेकिन जो कुछ होना था सो हो चुका। आपको उसके साथ जिंदगी काटना है। मैं जिंदा रहकर ना आपकी मोहब्बत पा सकता, ना आप मोहब्बत का सुख दे सकता। मेरी जिंदगी आपकी तबाही बनने वाली है, इसलिए मैं इस जिंदगी का खात्मा कर रहा हूँ। मेरा बेटा कैलाश, जो कि आप ही के यहाँ पल रहा है, आपके हवाले है। उसे बाप की जरूरत नहीं, एक माँ की जरूरत है। आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। आखिरी परिणाम आपका बदनसीब प्रेमी हरिचंद। दीवाना, पागल, दिमाग खराब हो गया इसका। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है नगीना। आज मैं तुम्हारी खातिर मुर्दा बन चुका हूँ। मेरी खातिर? ये अपने बेटे कैलाश के लिए, जो कि जमुना के घर पल रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर राणा अपनी पत्नी से रूठ के अपने बेटे रूप को लेके हमेशा को चला जाए, जैसा कि वो कह भी चुका है, तो जमुना के पास सिर्फ कैलाश रह जाएगा। और बहुत मुमकिन है कि जमुना की सारी जायदाद कैलाश को ही मिल जाए। ये ख्याल मेरे दिल में जरूर था, लेकिन मैंने जो कुछ किया है वो दरअसल तुम्हारी मोहब्बत और राणा की दुश्मनी में। शायद तुम नहीं जानती कि मेरी बीवी की मौत के वक्त तक जमुना की शादी नहीं हुई थी। अगर राणा उसके जीवन में न आता तो आज वो मेरी बीवी होती। लेकिन राणा के हुस्न ने जमुना को जीत लिया। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं अपना पिछला गम भूलने लगा था कि राणा के जादू ने तुम्हें भी दीवाना बना दिया। ये वार मैं खामोश नहीं सह सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे कहने पर और तुम्हें खुश करने के लिए यह नाटक खेला है। यह गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे उससे कोई प्यार, कोई मोहब्बत नहीं थी। वो मेरा नौकर था। बचपन से इसी घर में पला। बीवी मरी तो हमदर्दी से मैंने उसके बेटे कैलाश को अपने पास रख ली। अगर मेरी मेहरबानी को मोहब्बत समझ बैठा तो ये उसका दीवानापन था, मेरा क्या कसूर? मेरे सब्र को ना आजमा जमुना, चली जा यहां से, चली जा, नहीं तो
मार डालो मुझे, लेकिन ये झूठ है। अगर ऐसा होता तो मुझे तुमसे शादी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे पाने का सिर्फ यही तरीका था। नहीं, कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी और है। मोहब्बत? उन्हें मोहब्बत नहीं, मेरी जवानी और हुस्न का सौदा किया था। उन्हें समझा था तू अपनी दौलत से मुझे इस मकान, ये फर्नीचर, इन मुजस्मात की तरह खरीद कर अपने घर की सजावट बढ़ा। पता नहीं मैं तेरी दौलत को ठोकर मारता। मैंने कब कहा तुम्हें मेरी दौलत की परवाह? बल्कि यही दौलत तुम्हें मुझसे दूर ले गई, इतनी दूर कि आज एक दीवाने का लगाया हुआ बेबुनियाद इल्जाम तुम आंख मीच कर मान लेना चाहते हो। बेबुनियाद इल्जाम? ये देख, तेरे चाहने वाले ने लिखा है आप दिन ब दिन मेरे करीब आ रहे हैं। क्या मतलब है करीब आने का? इतना झूठ ना बोल जमना। देख ये तेरे पाप की तस्वीर तेरे सामने, तेरा चाहने वाला लिख गया है मेरा कैलाश तुम्हारे हवाले है। इसे बाप की जरूरत नहीं, माँ की जरूरत है। कौन है माँ इसकी? वो जो मर चुकी। नहीं जमना नहीं, ये तेरी औलाद है, तेरे पाप की निशानी, वरना तू इसे अपने साथ कभी ना रखती। ये भगवान, भगवान, ये कैसा अन्याय है, कैसा जुल्म है, किस पाप की सजा तुम मुझे दे रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम नहीं जा सकते। हट जा मेरे रास्ते से। मेरा बच्चा मुझसे जुदा मत कीजिए, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। चली जाओ, मेरा लाल मत ले जाइए, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मैं मर जाऊंगी। ये तेरा बच्चा है और ना तू इसकी माँ। वो देख, वो है तेरा बच्चा। क्या लगाओ उसे अपने कलेजे से और निछावर कर अपनी मनहूस दौलत उस पर। हट जाओ, मेरा लाल दे दीजिए, हट जाओ। और इस तरह से हरिचंद की दुश्मनी और फरेब के जाल में फंस के एक हंसता मुस्कुराता घर वीरान हो गया। जिस रात राणा अपने बेटे रूप को लेकर गुमनाम मंजिल की तरफ जा रहा था, पापी हरिचंद अपनी महबूबा नगीना के साथ रंगून जाने की तैयारी कर रहा था। राणा रूप को लेकर कहां गया ये किसी को पता न था। बेगुनाह जमना आस लगाए बैठी रही, लेकिन राणा नहीं लौटा। घबरा के जमना ने अपने पति के दोस्त जगत नारायण को नैनीताल से बुला लिया। जगत बाबू अपनी बेटी नीता के साथ आए, लेकिन वो भी बदनसीब जमना की खोई हुई दौलत वापस न ला सके। राणा शहर पहुंचकर नौकर हो गया, लेकिन बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कारखाने में आग लगी और राणा अपनी आंखें खो बैठा। जमना दिन रात अपने बेटे के लिए तड़पती रही, लेकिन किस्मत ने एक माँ से उसका बेटा छीन के एक दुश्मन के बेटे को उसकी गोद में ढकेल दिया। कैलाश जमुना के घर पलता रहा, दिन महीने हुए और महीने साल, और फिर बहुत सालों बाद। कैलाश, गाड़ी अपने होटल ले जा। होटल? मुझे पिछले महीने का हिसाब देखना है। हिसाब? आंटी हिसाब देखने की क्या जरूरत है, मैं तो बराबर चेकिंग करता रहता हूँ। ऑर्डर्स आंटी? वही देखना है। बहुत अच्छा जी। वो दो हजार कहाँ गए? जी वो कैलाश बाबू ने ले लिए थे। किसकी इजाजत से? आइंदा मेरी इजाजत के बगैर एक पैसा भी किसी को नहीं मिलेगा, समझे? जी बेहतर है जी। आई विल डिसमिस यू इडियट। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, इसलिए कि मैंने तुम्हारी माँ की सारी दौलत शराब की नजर कर दी। ठीक है, मगर भाई वो तो मेरी बीवी थी, तुम्हें इससे क्या? वो मेरी माँ थी और मरते समय वो सारी दौलत मेरे लिए छोड़ गई। मानता हूँ भाई, मानता हूँ, लेकिन जितना लुटाया है ना उससे दुगना वापस कर दूंगा। तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलो ना, आज वहां मेरा बेटा कैलाश
जमुना की सारी जायदाद का मालिक बन चुका होगा। हा? एक दवा वहां पहुंचे नहीं, दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत। मगर हाँ, दो टिकटों का इंतजाम करना पड़ेगा भाई, अपने पास कुछ नहीं। बोलो, करोगे? जरूर कर दूंगा। मुझ में खराबियां सही, लेकिन जो कुछ हुआ आप ही का हूं आंटी। आंटी आपने माफ कर दिया? आइंदा ऐसी हरकत ना हो। कभी नहीं आंटी, नेवर अगेन। ओह, आई विल सी। हेलो, यस, ट्रंक कॉल नैनीताल से। गुड लॉर्ड, मेरे होने वाले ससुर हैं। हेलो जगत बाबू। नमस्ते जमुना जी, नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, चालीगढ़ चालीगुड। बहन जी एक खुशखबरी सुनिए, आज बिना किसी खबर के नीता लंदन से आ गई है। जी हाँ, ठहरिए मैं अभी बुलाता हूँ। चले गुड। नीता लो अपनी आंटी से बात करो। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटी, ना आने की खबर की ना कोई तार दिया, ये कैसा आना। खैर तुम आ गई, यही क्या कम है। मुझे बहुत खुशी है कि जी 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 क्या कर रही है। आंटी ने तुझे लंदन भेजकर पढ़ाया लिखाया, उनका शुक्रिया तो अदा कर। चली गुड। जी जी हाँ, मैं भी बहुत बेचैन हूँ आपसे मिलने को। चले गुड। जमुना जी ये तो बताइए, आप यहाँ कब आ रही हैं? जी अभी कुछ कह नहीं सकती। आंटी नीता आ गई है, जगत बाबू से मेरे और नीता की मंगनी की बात कर लीजिए। जी बात ये है जमुना जी, आप कहें या न कहें, लेकिन मैं आपके एहसानों के बोझ से दबा हुआ हूँ। आपने नीता को न सिर्फ लंदन भेजकर पढ़ाया, बल्कि उसके नाम अपना आधी जायदाद लिखकर जॉलीगुड कैलाश से शादी तय की है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इन दोनों की जॉलीगुड मंगनी कर दी जाए। मेरा भी यही ख्याल है जगत बाबू। मैं आज ही कैलाश को नैनीताल रवाना कर देती हूँ, वो भी नीता से मिलने को बहुत बेचैन है। जी हाँ, मेरे कुछ चंद जरूरी काम निपटा के मैं कुछ ही दिनों के बाद आ जाऊंगी। हाँ, मेरे आते ही मंगनी की रस्म अदा कर दी जाएगी। जाले गुड, जाले गुड। अच्छा नमस्ते बहन जी। अरे क्या सोच रही? कुछ नहीं। जाले गुड, आज रात तक कैलाश आ जाएगा और कल बहन जी भी आ जाएंगी जाले गुड मंगनी के लिए। हाय, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। जानती हो, इस इंसान ने मेरी जिंदगी से सारा रोमांस छीन लिया है। एंड आई हेट हिम फॉर दिस। तुम लोग शायद मुझ पर रश करती होगी कि आंटी ने मेरे नाम आधी जायदाद लिख दी है, लेकिन मुझे ऐसी जायदाद से नफरत है जिसने मेरे सारे सुनहरे सपने छीन लिए हो। ऑल माई स्वीट ड्रीम। ये रोमांटिक बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बड़े धोखे होते हैं। शीला की तरह। शीला? शीला को क्या हुआ? सारी बात तो मुझे मालूम नहीं, इतना सुना है कि देवनार क्लब के बैंड में एक ड्रम प्लेयर है, बस शीला को उससे मोहब्बत हो गई। ड्रम प्लेयर? तुमने देखा है उस ड्रमर को? नहीं, लेकिन बड़ा ही अजीब आदमी है। पहले तो उससे दोस्ती करता रहा, जब शीला ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा तो भरी महफिल में शीला के तमाचा मार दिया। ओह नो, ओह यस। कोई परवाह नहीं, शीला का बदला इस ड्रम प्लेयर से मैं लूंगी। क्या मतलब? आज ही शाम को जाके भरी महफिल में उसके चांटे का जवाब दूंगी। और तुम सब मेरे साथ चलोगी, मैं भी टेलीफोन करके एक टेबल बुक कराती हूँ। तुम भी अजीब हो, तुम्हें पता नहीं नीता बड़ी क्रेजी है, वो सचमुच जाकर चांटे मार देगी और हम सबकी बदनामी होगी। सुनो, मैं ऐसे करती हूँ कि इस ड्रम प्लेयर को टेलीफोन कर देती हूँ कि आज ड्रम बजाने आए ही नहीं। वेरी गुड, द टेबल इज बुक्ड। आज हम अपनी सहेली शीला का बदला लेने जा रहे हैं,
प्रोग्राम ये है कि पहले हम म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक खत्म हो जाने के बाद जब लोग तालियां बजाओगे तब। आर यू द ड्रम प्लेयर? देखिए अगर आप आज शाम को छुट्टी ले लें तो अच्छा हो। इसलिए कि आज वहाँ एक लड़कियों की टोली आ रही है, उनमें से एक लड़की शीला का बदला आपसे लेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपके एक चांटा लगाएगी। खून ना निकालूं तो मेरा नाम नीता नहीं। मगर चाचा मारोगी कैसे? सारी महफिल के सामने स्टेज पर जाके। गर्ली, तुम वो स्टेज पर दो पहलवान लोग देखा? वो तुमको रोकने के वास्ते उधर कर आए। आप कौन है? क्लब मैनेजर, और अगर तुम कोई गड़बड़ किया तो मैं तुमको पार्सल करके इधर से बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं मैनेजर साहब, हम तो यही मजाक कर रहे थे, आप जाइए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। श्योर? श्योर। अब बोलो स्टेज पर कैसे जाओगी? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। हेलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आज रात का प्रोग्राम शुरू होगा। उन्वान है दिल देके देखो, दिल दीजिए और देखिए। देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो पूछो परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, ओ हो हो तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वाले
वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो समझो दीवाने की जबान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की जबान, प्यार जो ना होता ये जहां। ओ हो हो तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी, हा 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 तुम भी दिल दे के ये गाना सीखो जी। क्या दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। शक्ल और सूरत बुरी नहीं है, यानी कि सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट ऑफ व्यू के बच्चे, उसने मेरे दांत ढीले कर दिए, हमें नौकरी से अलग करवा दिया, और आप उसमें सुंदरता का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। you're right, Tom, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस लड़की ने हमें बिल्कुल तबाह कर दिया। तबाह? घर के खर्चे के लिए एक पैसा नहीं है। तुम्हारे पिताजी को आंखों के ऑपरेशन के लिए दिल्ली भेजना है, कहां से लाओगे रुपया? क्या मतलब? तुमसे तो पूछने की कुछ उसकी हिम्मत होती नहीं, लेकिन वो अक्सर मुझसे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है, कौन है, पिताजी ने उसे क्यों छोड़ दिया। क्या जवाब दिया तुमने उसे? क्या जवाब देता? मेरे ख्याल से जितनी तुमको अपनी पत्नी से नफरत है, उतनी ही उसको अपनी माँ से बिन देखे मोहब्बत है। वो अपनी माँ को एक देवी समझता है। देवी देवी, बंद करो ये बकवास, और उसे कह दो आइंदा से इस बारे में तुमसे कोई बात न कहे। समझे? समझा समझा। कौन है? मैं हूँ पिताजी। आओ राजा, आज बड़ी देर कर दी राजा। जी हाँ, आज प्रोग्राम कुछ लंबा हो गया था। बहुत काम करता है मेरा राजा। राजा राजा कहकर तुमने इसका नाम भी बदल दिया। आपको क्या तकलीफ है जी? जरा मेरे राजा को तो देखो, ऐसा मालूम पड़ता है कुश्ती लड़की आया। डैडी बात, डैडी का बच्चा। That's right. अरे हाँ अंकल, वो दिल्ली से डॉक्टर का खत आया? हाँ, सारा इंतजाम हो गया है, ऑपरेशन मामूली है, लेकिन 2 महीने नर्सिंग होम में रहना होगा, आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो पिताजी आपको दिल्ली कब लेकर चलूं? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं बेटा, मैं मुरली को लेकर 2-1 रोज में चला जाऊंगा। और तुमने पैसों का बंदोबस्त कर दिया, यही के कम है मेरे राजा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं परसों नैनीताल जा रही हूँ, मेरी वापसी तक एक बैंड मास्टर और एक डांसर मौजूद होना चाहिए। बेहतर है जी। और हाँ, जरूरत पड़े तो अखबार में एक इश्तिहार दे दीजिए, लेकिन ख्याल रहे जो भी आदमी रखा जाए सूरत से शरीफ लगे। बहुत अच्छा जी।
इंतजार करो, वो मेरी मोटर लेकर खाने का सामान लेने गई है। ओ कमान नेता, वो आप ही आ जाएगी। बहुत सामान है उसी। अरे ऐसी मुसीबत ही क्या है, चलकर छाव में बैठेंगे, वो आएगी तो खुद ही बुला लेगी। ओके कमान। उस दिन का बदला आज लूंगा मेम साहब। हेलो हेलो, आप मिस चंपाकली? यस। वेरी गुड, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। नीता पार्टी आ गई है, मैं सामान लेने के लिए यहाँ रुका था। ओह फाइन, आप नीता के दोस्त हैं? एग्जैक्टली। कब से? ओह साल भर हो गया अब तो। साल भर? वो तो अभी दो साल बाद लंदन से आई हैं। मेरी उनसे मुलाकात लंदन में ही हुई थी। ओह आई सी, ओके। आप ही सामान रख कर जल्दी से वापस आइए। श्योर। और भी बहुत कुछ है, चलिए। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो, मिस नीता एंड पार्टी आई बिलीव। यस। हाय नाचीज को प्यारे लाल कहते हैं। सुबह सैर के घर से निकला था, बाजार में मिल गई बचपन की साथी चंपाकली, जबरदस्ती खींच कर ले आए। यू आर वेलकम मिस्टर। जी प्यारे लाल, वैसे शॉर्ट हैंड में आप सिर्फ प्यारे भी कह सकती हैं। मैं चंपाकली को लेकर आता हूँ। हाय फॉक्स। क्या बात है, किस्मत हो तो ऐसी। क्या मतलब? तुम्हें चंपा ने नहीं बताया? नहीं। उसकी शादी उसके बचपन के साथी के साथ होने वाली है। कहती है बड़ा खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान है, अगर चंपा इसके साथ शादी कर रही है तो जिंदगी भर पछताएगी। क्यों? एकदम फ्लर्ट लगता है। हाउ रूड, डोंट बी सिली। कुछ पता भी है? एक नजर में पहचान लेती हूँ इंसान को, और कहो तो साबित करके दिखा दूँ। कैसे? आज इस पहली ही मुलाकात में ये हसरत चंपा को छोड़कर मेरा हाथ थामे बैठे होंगे। मैं नहीं मानती। ओके देख लेना। हैरत है, नीता ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। हैरत तो मुझे है चंपा जी, कि लंदन में तो ये हाल था कि जीना तेरी गली में और मरना तेरी गली में, और यहाँ ये अंदाज है कि जैसे मेरी सूरत कभी देखी भी ना हो। बल्कि आपको हैरत होगी कि यहाँ सबसे वो ये जाहिर कर रही है कि जैसे इस पिकनिक में उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, मैं अपने आप चला आया हूँ। जी बात ये है, नीता की शादी किसी से तय है, शायद वो दोस्ती वाली बात को राज रखना चाहती है। आई सी, तभी मुझसे कहा था कि मैं किसी से ना कहूँ कि हम लोग लंदन में मिले थे। इसीलिए आप भी यही जाहिर कीजिए जैसे कि पहली मुलाकात हो। आपका क्या जाता है? मैं यही जाहिर करूँगा, मेरा क्या जाता है। हेलो हेलो, कम ऑन कम ऑन, सिट डाउन प्लीज। चलिए चंपा जी। जगह बहुत अच्छी चुनी आपने पिकनिक के लिए। पसंद है आपको? बहुत, लेकिन ये खामोशी पसंद है। फरमाइए क्या किया जाए। कुछ हंसी मजाक, कोई अच्छी सी बात, कोई खेल। आइए ये खेलें। इस खेल का नाम भी जानते हैं आप? जी विलायती, इसे ड्राफ्ट कहते हैं। हिंदुस्तान में शतरंज, ईरान में चौसर, पेरिस में लूपे, और चीनो जापान में इसे पिंग पोंग कहते हैं। थैंक यू। चंपा को कब से जानते हैं आप? बचपन से। आपको चंपा से मोहब्बत है? आपका क्या ख्याल है?
होना तो नहीं चाहिए। क्या? मेरा मतलब है आप जैसा खूबसूरत जी, काफी अच्छे हैं आप। रियली? आपको देखने से पता चलता है कि आपको जिस टाइप की लड़की पसंद होनी चाहिए वो कम से कम चंपा नहीं हो सकती। फिर और कौन हो सकती है? कोई भी तेज स्मार्ट टाइप की लड़की। लेकिन आपसे तो पहली बार मुलाकात हुई। मिलकर क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? याला याला दिल गई। मालूम होता है आपको गाना भी आता है। मुझ में आपको दुनिया की हर खूबी मिलेगी। बहुत अच्छा गाते हैं आप जी। एक मर्तबा बड़े गुलाम अली खान साहब ने मेरा गाना सुना था जी। 3 दिन तक बेहोश रहे थे। रियली? जी, दरअसल तानसेन ने मुझ में दोबारा जन्म लिया। अच्छा, फर्क इतना ही है कि तानसेन के गाने पर गाय भैंसे दौड़ी आती थी और मेरे गाने पर सुंदर नारियां दौड़ी चली आती। देखिए, वो आपको लड़कियां दिखाई देती हैं, मैं यहाँ से एक तान लगाऊं तो लड़कियां भागी हुई चली आती। करके दिखाइए। दिखा तो दूं, लेकिन आपको भी गाना हो? आपके पास प्रॉमिस। प्रॉमिस? टैली हो। We'll be right back.
चिकन यही तो थी अपनी आपकी धड़कन समझो हमें हम जहाँ से गुजर गए मरना मेरी जिंदगी है दीवाना हूँ प्यार का तुम भी एक दिन आजमा के देखो तो जरा बड़े हैं दिल के काले हाँ यही नीली सी आँखों वाले सूरत पूरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले मेरी जब वाह 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 मेरी जब वाह 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 मेरी जब वाह 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 मेरी बेतरार का नैनों से नैना मिला के देखो तो जरा बड़े हैं दिल के काले आई नीली सी आँखों वाले सूरत पूरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले मेरी जब वाह 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 दुनिया ही बदल गई है कैसे मैं आपसे आज पहली बार मिला हूँ और दिल ने कुछ फैसला कर लिया जवाब मिलेगा सवाल तो कीजिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ शादी जी हाँ लड़कियों सुना कुछ सुना। देखा चंपा ये मुझसे शादी करना चाहते हैं तुम्हारे बचपन के साथी तुम्हारे होने वाले पति क्या बक रही हो कौन साथी कैसा पति ये जिन्हें तुम साथ लाई हो मैं लाई हूँ या तुम लाई हो मैं और क्या उन्होंने मुझसे कहा था वो तुम्हारे लंदन के दोस्त हैं और तुम्हारे साथ आए हैं मैं तो उन्हें जानती भी नहीं व्हाट देखो राजा ऐसे काम नहीं चलेगा तुम अपनी जीप गिरवी करके कल सुबह की गाड़ी से अपने पिताजी और मेरे डैडी को दिल्ली रवाना कर दो उनकी आंखों का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है रहे हम तुम तो अपनी नौकरी पक्की हो गई है क्या मतलब ये देखो जरूरत है एक बैंड मास्टर की जो हिंदुस्तानी और विलायती म्यूजिक जानता हो इस पते पर मिलिए रॉयल होटल रानीखेत रानीखेत आइडिया बुरा नहीं है प्यारे लेकिन हमारे पैसे कमाने की तकलीफ एक और आदमी भी दूर कर सकता है वो कौन अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो प्रोफेसर सामरी से मिलिए सामरी वो जादूगर है जो आपकी किस्मत बदल सकता है आपके दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है दांत निकाल भी सकता है आपकी शादी करवा सकता है होती शादी रोक भी सकता है जो काम आप नहीं कर सकते सामरी से करवाइए सामरी को इस पते पर खत लिखिए भारत पोस्ट बॉक्स नंबर 430 तो बरखुरदार तुम्हारा ये ख्याल है कि ये 420 सामरी तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा एग्जैक्टली अंकल टॉम क्योंकि तुम्हें यह नहीं मालूम कि सामरी कौन है कौन है जी मैं तुम जी हाँ ये इश्तिहार मैंने दिया कर्जा चुकाने का आखिरी रास्ता या जेल खाने का सीधा रास्ता ओहो अंकल टॉम तुम नहीं जानते कि इंग्लैंड और अमेरिका में प्राइवेट एडवाइजर्स होते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स जो इस काम के लिए बड़ी रकम लेते हैं तो आपका ख्याल है कि ये धंधा इंडिया में चल सकता है व्हाई नॉट ये देखिए दो चिट्ठियां तो आज ही आई आप भी सुनिए प्रोफेसर सामरी अपनी जो खूबियां आपने इश्तिहार में लिखी हैं अगर वो सच हैं तो 3 तारीख की शाम को एवरेस्ट क्लब के दरवाजे पर मिलिए
पहचान के लिए हाथ में गुलाब का फूल होना चाहिए और जुबान पर यह जुमला, तेरी आंखें नहीं ये तो तीर हैं। जवाब मिलेगा सामरी फॉलो मी, कहने वाले के पीछे चल के अंदर आ जाइएगा और बात हो जाएगी। अजीब चौगत है, गुलाब का फूल हाथ में लिए कहते रहो तेरी आंखें नहीं ये तो तीर है, लेकिन किससे, औरत से या मर्द से? दूसरा खत पढ़ते हैं। प्रोफेसर सामरी, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। 3 तारीख की शाम को 6 बजे एवरेस्ट क्लब के एवरेस्ट क्लब के दरवाजे पर मिलिए। पहचान के लिए हाथ में सेब होना चाहिए। शुक्र करो सेब की बजाय कद्दू या तरबूज नहीं लिख भेजा। सेब होना चाहिए और जुबान पर यह जुमला, ओ तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना। कमाल है, इनका भी नाम पता नहीं है, लेकिन किससे, मर्द से या औरत से? किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। नहीं अंकल टॉम, ये खत सच्चे हैं। 3 तारीख कब है? आज ही तो है। फिर आप फौरन तैयार हो जाइए, हम वहां जा रहे हैं। कहाँ? अपने प्रेमियों से मिलने, एवरेस्ट क्लब। तेरी आंखें नहीं ये तो तीर है, तेरी आंखें नहीं ये तो तीर हैं। क्या कहा? तेरी आंखें नहीं ये तो तीर हैं। मेरी आंखें तीर है। ओ तेरा क्या कहना। तेरी आंखें नहीं ये तो तीर है, तेरी आंखें नहीं। सामरी, यस, फॉलो मी दिस वे। Out you go. Tashreef rakhiye, Mr. Samri. Professor Samri. Oh, yes. Professor Samri. I'm sorry. Please sit down. Please. Mera naam Kailash hai. Isse pehle ki main asli kaam bataun. Sirf asli kaam bata, Aziz. Samri ka kinti vak zaya na khar. Ji? Achha, achha. Ji, wo baat ye hai. Yahan Mal Road par Jagat Narayan rehte hai. उनकी लड़की नीता से मेरी शादी तय है। नीता जो अभी लंदन से वापस आई है? जी, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे कैसे मालूम। अजीज, मैं लंदन में नीता की शादी पर मौजूद था। शादी? शादी? मिस्टर विलियम्स से नीता ने पहली शादी की थी। पहली? 6 महीने के बाद तलाक हो गई। उसके बाद नीता ने एक फुटबॉल प्लेयर मिस्टर होल्डर से शादी कर ली, जिसे कहा जाता है कि नीता ने जहर देकर मार डाला। जहर देकर? दूध में डालकर। खैर छोड़ो ये बातें, तो अपनी बात कर अजीज। लेकिन सामरी साहब, ये सारी बातें सच हैं? बिल्कुल, आगे बोल। शायद तो अब नीता से शादी नहीं करेगा, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, शादी तो मुझे करनी ही है। जो हुआ सो हुआ, दैट इज पास्ट, दैट इज पास्ट। जी, वो बात ये है, कल नीता की मोटर का एक्सीडेंट हो गया और एक नौजवान जिसका नाम चंद्रा है, उसकी टांग में चोट आ गई। नीता उसे घर ले आई। मुझे यकीन है उसकी टांग बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बहाना किए पड़ा है और नीता से मोहब्बत शुरू कर दी है। जी हाँ, मैं चाहता हूँ वो वहां से ऐसा जलील होकर निकाला जाए कि फिर कभी नीता का सामना न कर सके। ही शुड नॉट फेस नीता डार्लिंग। हो जाएगा बदमाश का मुंह काला। आ रहा थी। सामरी की फीस सिर्फ 3,000। 3,000? 1,500 पेश के। अभी इसी बात। लेकिन सामरी सौदा नहीं करता। अच्छा अच्छा, देता हूँ देता हूँ देता हूँ। लीजिए 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 लीजिए। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। सामरी जो करता है वो बताता नहीं, जो नहीं करता वो बताता है। आज रात का इंतजार कर,
खुदा हाफिज अजीज। ओ तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या कहना, ओ तेरा क्या। आइए चलिए। प्रोफेसर सामरी प्लीज टू मीट यू। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मिस नीता। माय गुडनेस, अब वाकई कमाल के आदमी है। अभी आपने देखा ही क्या है अजीजा। फरमाइए जी, बात असल में ये है कि मेरी आपकी शादी कैलाश बाबू के साथ तय है अजीजा जी, लेकिन आप उनके साथ शादी नहीं करना चाहती जी। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ना तो कैलाश बाबू आपके लायक हैं और ना ही मिस्टर चंद्रा। आपको चंद्रा की बात भी मालूम है? यस। चंद्रा को मैं इसलिए लाई थी कि कैलाश उसे देखकर जलेगा और मुझसे झगड़ा करेगा। एक बार झगड़ा शुरू हो गया तो बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन चंद्रा मेरी नकली मोहब्बत को असली समझ रहा है और सचमुच मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो आप फंस रही हैं? नहीं तो। बहुत समझदार है। इसका मतलब यह है कि हमारी असली मुसीबत कैलाश बाबू हैं। और मेरे पिताजी, वो मेरी शादी कैलाश से करने पर तुले हुए हैं। दो एक रोज में मेरी मंगनी होने वाली है। इम्पॉसिबल। आप फिक्र ना कीजिए अजी साहब, सामरी आपकी मंगनी कभी नहीं होने देगा। लेकिन कैसे? सामरी आज रात को आपके घर पर आ रहा है, सिर्फ बहाना सोचना। बहाना मौजूद है, मेरी लंदन से वापसी की खुशी में आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी दी गई है। बस तो सामरी उस पार्टी में कवाली गाएगा अजीजा। कवाली? और आपकी सहेली सुल्ताना बेगम का बाप मिर्जा चंगेजी बनकर आएगा। कौन सुल्ताना बेगम? वो मेरे साथ बुरके में आएगी और फिर आप देखिएगा कि सामरी क्या नाटक दिखाता है। ओह, आई एम सो हैप्पी। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। सामरी को रकम नहीं चाहिए अजीजा। फिर क्या है आपकी फीस? आपके कैलाश बाबू से शादी टूट जाए, आप आजाद हो जाए, सारी जिंदगी पड़ी है आपसे फीस वसूल करने के लिए। अच्छा अजीजा, खुदा हाफिज। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए आइए, तशरीफ लाइए। जॉली गुड, आपने तो बहुत देर कर दी डॉक्टर साहब। देखिए ना, कारोबार ही कुछ ऐसा है। और बाबा कहाँ? अजीज, गुड लॉर्ड, अजीजा। ओह हेलो सुल्ताना, हाउ आर यू? बाबूजी, ये मेरी सहेली सुल्ताना है और ये इनके पिता। चली गुड, चली गुड। कवाली यही गाने वाले हैं? जी हाँ, मिर्जा साहब ये मेरे बाबूजी हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चली गुड, चली गुड। जी। ओह हेलो सुल्ताना, हाउ आर यू? बाबूजी, ये मेरी सहेली सुल्ताना है और ये इनके पिता। चली गुड, चली गुड। कवाली यही गाने वाले हैं? जी हाँ, मिर्जा साहब ये मेरे बाबूजी हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चली गुड, चली गुड। जी। यानी कि आधा वर्ष। मेरा नाम जगत है, जगत नारायण। चली गुड, चली गुड। जी, मेरा पूरा नाम मिर्जा चंगेजी। हॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड। बाबूजी, इनका तकिया कलाम हॉलीवुड है। आइए तशरीफ लाइए चली गुड। चलो बेटी हॉलीवुड। हाँ।
बाबूजी, मैंने सुल्ताना को आज रात यहीं रहने को कहा है। और चालीकोट मिर्जा को भी? जी हाँ, उनको भी। ओ, आइए तशरीफ लाइए। कहो तो आज रात के 12 बजे तुम्हें और नीता को छत पर मिला दूं। दिल की बातें कर डालना। लेकिन कैसे? लिखो, जाने मन, आज रात के 12 बजे तुम्हारा चाहने वाला छत पर तुमसे दो बातें करना चाहता, तुम्हारा प्रेमी कैलाश। रात के 12 बजे छत पर पहुंच जाना, उधर नीता तुम्हारी बाहों में होगी और इधर तुम्हारे दुश्मन चंद्रा का साथ आया। शुक्रिया सामरी साहब, आई विल पे यू मोर। हेलो सुल्ताना, कैलाश क्या कह रहा था? आप देखे जाइए, वो चंद्रा कहाँ है? वो सामने व्हील चेयर में। चलिए सुल्ताना, मैं अभी आई। चंद्रा साहब, ये खत नीता ने आपको दिया है। तुम्हारा प्रेमी कैलाश, ये नामुमकिन है। चालीकुट, कैलाश का खत आपके सामने है, वो मेरी बेटी के साथ हॉलीवुड इश्क लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं चालीकुट। क्या मेरी बेटी झूठी है हॉलीवुड? नहीं नहीं, जरूर कोई धोखा हुआ है चालीकुट। धोखा आपको है हॉलीवुड, मेरी बेटी तो छत पर नहीं जाने वाली। अगर आपको अपना इत्मीनान करना है तो रात को छत पर जाकर देख लीजिएगा हॉलीवुड। चलिए मिर्जा साहब, सब लोग आके गाने के लिए बेचैन है। चलिए चलिए हॉलीवुड चलिए। अजीजा जी, मैंने यहाँ एक रॉक एंड रोल क्लब बनाया है। पहले थोड़ा नाच होगा और उसके बाद आपकी कवाली। उसके बाद? नहीं तो पहले आपकी कवाली करा देती हूँ, नाच फिर होता रहेगा। ओके ओके। लिसन लिसन, जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में नाच काफी हो चुका है, अब हम लोग आराम से बैठ कर दिल्ली के मशहूर शायर और कव्वाल मिर्जा चंगेजी की कव्वाली सुनेंगे। लिसन लिसन नीता, इन बेचारे को क्यों तकलीफ देती हो? बूढ़े आदमी है, आराम करने दो। बूढ़ा? या खुदा, मैं आज क्या सुन रहा हूँ? मर्जी हो तो सूली पर चढ़ाना यारब, 100 बार जहन्नम में जलाना यारब, लेकिन माशूक कहें आप हमारे हैं बुजुर्ग, ना चीज को ये दिन ना दिखाना यार। दिलो जिगर पर तो सभी शायरी कर लेते हैं मिर्जा साहब, बात तो जब है हमारे कहने से बोल बांधिए। आइए, 2 1 2, 2 2 4, रॉक रॉक रॉक। ऐसे नहीं अजीजा, ऐसे रख रख रख। कहा मुकाबला करोगी? तुम सब एक तरफ, हम 2 1 तरफ। पहले 2 1 2 पर तो बोल बांधिए। अबिल्ला, रॉक 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 बेबी रॉक। 2 1 2, 2 2 4, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार। 2 1 2, दो एकम दो, 2 2 4, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार। 2 1 2, ला 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 ला।
देना देना मेरे हाथों में हाथ दो चुकिया थे, दो चुकिया। अरे देना 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 मेरे हाथों में हाथ दो पंजे दो, दो छक्के बारह। शादी ना हुई तो कोई रोएगा बेचारा, दो पंजे दो, दो छक्के बारह। शादी ना हुई तो कोई रोएगा बेचारा, जलाए तेरे प्यार कशुला, दाढ़ी को जलाए तेरे प्यार कशुला, हो गया गाना अब लाओ मेरी पीस, अरे हो गया गाना अब लाओ मेरी पीस, दो दुनी चार थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार, दो एकम दो, अरे दो दुनी चार थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार, दो एकम दो। आदावर्ष करता हूं, जवाब नहीं, बिल्कुल दुल्हन जैसे सजी बैठी हो। वाह, किसी शायर ने ऐसी ही मुलाकात के लिए कहा है, तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेपती डरती, खुद अपने साए की जुम्बिश से खौफ खाए हुए। लौट बाबूजी। नालायक निकम्मे, क्या लिखूं?
क्या हुआ बाबूजी? तुम है सर, ये मकान में हुआ बदमाशों का अड्डा बन गया चौलीकुट। बाबूजी ये सब मिर्जा साहब की हरकत है, उन्होंने मुझे ऊपर नीता से मिलने भेजा था। मिर्जा का बच्चा चौलीकुट, आज मैं उसकी हड्डी बस्ती एक कर दूंगा। चौलीकुट चलो मेरे साथ, पकड़ना बदमाश को, भागने न पाए। हैरत की बात है, चौलीकुट ये मिर्जा था कौन? कुछ समझ में नहीं आता बाबूजी, मैंने भी सब धोखा खाया है। खैर गोली मारो दोनों को। देखो बेटा, आज जमुना देवी रानी खेत से यहाँ आ रही हैं, तुम ये कमरा उनके लिए ठीक करवा देना। आप कहीं जा रहे बाबूजी? हाँ, चौलीकुट मेरा एक दोस्त लखनऊ जा रहा है, मैं उसे काठगोदाम स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक ठीक बताओ रानीखेत चलना है या नहीं? मैं कहता हूँ ऐसी नौकरी फिर नहीं मिलेगी, ऐसी लड़की भी फिर नहीं मिलेगी। क्या? मेरा मतलब है कि तुम कल सब सामान लेकर चले जाओ और वहां बातचीत कर लो। और तुम? मैं जीप में आ जाऊंगा। मगर कब? कल तुम रवाना, परसों हम रवाना, इसमें सोचने की कौन सी बात है। आपको विश्वास है कि वो रूप के पिता ही थे? बिल्कुल, बल्कि जब मैंने पुकारा राणा तो उन्होंने मुड़कर जवाब भी दिया कौन है। मेरा ख्याल है चौलीकुट वो मुझे पहचान नहीं सके। कितनी अभागन हूँ मैं, इतनी मुद्दत के बाद उनकी खबर मिली तो इस तरह कि मैं पा नहीं। घबराओ नहीं बहन, मैं उनका पता जरूर लगा लूंगा। चौलीकुट छोटी सी जगह है, पोस्ट ऑफिस में राणा के खत आते ही होंगे, बस वहीं से उनके मकान का पता चल जाएगा। चौलीकुट मेरा ख्याल है बहन कि आपका बेटा रूप भी यही मौजूद है। भगवान करे ऐसा ही हो, मगर वो अकेले गए तो कहां? काश मुझे पता होता कि वो कहां है। हैरत है, गया कहां? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अंदर की जेब में रखा था। कितने रुपए थे? 2500। ऑपरेशन और ठहरने का खर्चा। अब क्या होगा मुरली? घबराओ नहीं, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसे टेलीफोन करके बुला लेता हूँ, कुछ दिन उसके पास ठहर जाएंगे, वहीं से खत लिख के राजा को खबर कर देंगे। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी टेलीफोन करके आता हूँ। सोहन मेरा कहा मानो, चंद दिन बाद रानी खेत चलेंगे। हाँ अरे भाई, रंगून से कलकत्ता, कलकत्ते से यहाँ, मैं तो थक गया हूँ इतने लंबे सफर से। हाँ ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये तो अंधा मालूम होता है। कौन है ये? राणा। राणा? हाँ, जमुना का पति। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ? आप यहीं बैठिए, मैं मालूम करता हूँ। माफ कीजिएगा, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, मैं बहुत परेशान, दिल्ली आंख के ऑपरेशन के लिए जा रहा था, रास्ते में किसी ने मेरे रुपए की चोरी कर ली। कहां से आ रहे हैं आप? नैनीताल से, मेरा लड़का वहीं है। अच्छा,
अगर आप चाहें तो मैं आपके बेटे को ये खबर पहुंचा दूंगा। मैं नैनीताल ही जा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको खत लिख कर दे दूँ। लिख कर? आपकी आंखें तो अंदाजे से लिख लेता। इतने अच्छे आदमी हैं आप। मेरा लड़का आपसे मिलकर बहुत खुश हो गया। मैं भी। जरा ठहरिए, मैं आपको अपने लड़के की तस्वीर देता हूँ ताकि उसे आप आसानी से पहचान सकें। जरूर जरूर। ये अच्छा, तो मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बोलता है वो बाद में बताऊंगा। चलिए ये सोच। लड़का खूबसूरत है, है? जी हाँ। आओ बेटी आओ। शाबाश। देखो बेटी साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हो। हमेशा हिंदुस्तानी कपड़े पहना करो। तुम्हारी माँ जरूर विलायती थी मगर तुम तो हिंदुस्तानी हो। जी बैठो। मैं नीता की मंगनी बड़ी धूमधाम से करूंगी और वो भी रानी खेत। लेकिन कब तक आंटी? बहुत जल्द। और हाँ, तुम गाड़ी लेकर आज ही रानी खेत चले जाओ। होटल के बहुत से काम रुके। मैं अकेला? हाँ आंटी, नीता को मेरे साथ कर दीजिए। सफर अच्छा कटेगा। मैं कैसे आ सकती हूँ? वाई नॉट, आखिर को हमारी मंगनी होने वाली है। इट इज गुड टू बी फ्रेंडली। बोलिए ना आंटी, बोलिए। अच्छा बेटी चली जाओ, दो एक रोज में मैं भी तो आने वाली हूँ। वो बात ये है आंटी जी की, मेरे बाबूजी। उसकी फिक्र न करो, मैं उनसे कह दूंगी। हाँ, टेलीफोन आया है। हेलो। हेलो मिस नीता जी, आपका दोस्त प्रोफेसर सामरे। कमाल कर दिया आपने तो, ऐसे गायब हुए कि पता तक नहीं बताया। जो मैं मिलने आती, आपको पता नहीं मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपसे राय लेना है। तो फिर आज रेडियो क्लब की छत पर मिलिए, सामरे आपकी सब मुसीबत दूर कर देगा जी। शाम को 8 बजे। खुदा हाफिज अजीजा। मैंने तुम्हें एक खास काम से बुलाया है। कैम? बात यह है कि आज शाम को सेठ जगत नारायण की लड़की नीता ही आ रही है। मैं सेठ जी से कुछ रुपया कर्ज लेना चाहता हूँ। सुना है सेठ जी उसकी बेटी की बात बहुत मानते हैं। कैम? मैं आज मिस नीता की तबीयत खुश करना चाहता हूँ। कैसे? कुछ गाने बाने का प्रोग्राम कर दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। नहीं तो कह दो नो, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार।
को नजर घबराई सी है, महफिल भी है नहाई भी है, काहे को नजर घबराई सी है, महफिल भी है तन्हाई भी है, छुपे छुपे तुम रुके रुके हम, सोचो जरा बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, ठोकर लगे ना संभालो सनम, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा बोलो बोलो और कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। आपकी अदाओं का हिसाब नहीं, लाखों में हमारा भी जवाब नहीं, आपकी अदाओं का हिसाब नहीं, लाखों में हमारा भी जवाब नहीं, कम नहीं तुम कम नहीं हम, सोचो जरा बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, ऐसे ना आंचल छुड़ा लो सनम, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो, हाय प्यार हो तो कह दो यार। For heaven's sake, leave me alone. जरा हिंदुस्तानी में तो कहिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एक शर्त पे। क्या? मुझे अकेला मत छोड़िएगा। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैंने कोई बात तो नहीं किया। मैं तो शादी का प्रपोजल लाया हूँ, मोहब्बत का पैगाम, और आप जानती हैं कि मोहब्बत कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मोहब्बत पर किसी का बस नहीं। किसी का? नहीं ना, बस मेरा भी बस नहीं। इसी सिलसिले में गालिब साहब ने कहा है। गालिब साहब को जानती हूँ, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। खैर, उन्होंने एक शेर कहा है, इश्क पर जोर नहीं। इश्क समझती है? इश्क 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 यानी कि मोहब्बत। इश्क और मोहब्बत में वही फर्क होता है जो के दूध की चाय और पाउडर की चाय में। यहाँ से जाने का क्या लीजिएगा? नजराना मोहब्बत का पेश करूँ? सहे नसीब, कितनी गैर शायराना हरकत। सिर फिरे बहुत देखे लेकिन मुझसा नहीं देखा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने भी बहुत हंसी देखे लेकिन तुमसा नहीं देखा। लेकिन मुझे आप में इतनी सी दिलचस्पी नहीं। घबराइए नहीं, हो जाएगी। नहीं जाएंगे? ये आपका मकान नहीं है, ये प्राइवेट क्लब है। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो आप चाहिए। वैसे जिनका आपको इंतजार है वो नहीं आएंगे। कौन? प्रोफेसर सामरी। आपको कैसे मालूम है उनसे मिलने आई हूँ?
मरते वक्त उन्होंने मुझे बताया था। मरते वक्त? क्या कह रहे हैं आप? जी सच कह रहा हूँ, बड़े काम का आदमी था मरने वाला। लेकिन आज सुबह तक फोन पर मैंने उनसे बात की थी। बस उसी के बाद उनका हार्ट फेल हो गया, दिल के बहुत पुराने मरीज थे बेचारे। लेकिन आप? जी मैं उनका पड़ोसी हूँ, मुझे राजा कहते हैं। कितनी बदनसीब हूँ मैं, वही मेरा एक आखिरी सहारा थे। जी और मेरा भी। क्या मतलब? कहा था शादी कराने के 5,000 लूंगा, शादी तो कराई नहीं, बस ये आज की मुलाकात करा गई। झूठे मक्कार कहीं के, सामरी मर गया, मुझे बनाना आसान नहीं। आ, 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 लेकिन आप जा क्यों रही हैं? इसलिए कि आप यहाँ से जाने वाले नहीं। ऐसे भी क्या बात, मैं आपको नाराज नहीं कर सकता, आप बैठिए मैं जाता हूँ। ओके लेकिन याद रखिए, अच्छा दोस्त और अच्छा पति किस्मत वालों को ही मिलता। ताली है। अजीजा माफ करना, अजीजा मुझे आने में देर हो गई। जी आपने मेरी मंगनी का रुको, अब सिरे से शादी के किस्से को खत्म करना है। हो जाएगा? कैसे हो जाएगा, मेरी आंटी जो कि शादी करवा रही है, मुझे कैलाश के साथ कल रानीखेत भेज रही है। रानीखेत? रानीखेत? हाँ। वंडरफुल वंडरफुल, अरे परवरदिगार, अरे अल्लाह मियां, लाख लाख शुक्रिया। मैं मुसीबत में हूँ और आप अल्लाह मियां का शुक्र अदा करें। इसलिए कि मेरा काम बन गया अजीजा। कैलाश रास्ते से साफ। अब आप रानीखेत जाइए, जरूर जाइए, वहाँ आपको मेरा एक एजेंट मिलेगा, वो आपकी सारी मुश्किल आसान कर देगा। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं अजीजा, आप रानीखेत गई और आपका काम बना। कौन है वो एजेंट? वो आपको रॉयल होटल में मिलेगा, अचानक आपके गले में मोतियों की ऐसी एक माला डालेगा, उसी को मेरा एजेंट समझिएगा। अच्छा तो फिर मैं जाके आंटी से कह देती हूँ कि मैं रानीखेत जाऊंगी। गुड, थोड़ी देर और बैठो ना अजीजा। नहीं मुझे बहुत देर हो गई है, बाय बाय। नीता, पंचर, व्हील चेंज करना पड़ेगा। तो कीजिए ना। ओ यस। मैं आपकी कोई मदद कर सकता? व्हाट मदद? व्हील चेंज कर दो। ओह थैंक यू, गुड आइडिया नीता। कोई जरूरत नहीं, व्हील आप खुद चेंज कीजिए। ओ श्योर। और इनसे कहिए यहाँ से चले जाएं। हे मिस्टर, यू कैन गो। गुड लॉर्ड, नीता मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरे ख्याल से इस आदमी से कपड़े उतार के व्हील चेंज कीजिए। ओ यस, गुड आइडिया। मैंने कहा मेम साहब ये काम इनके बस का नहीं, कहीं तो अभी पहिया बदल दो। जी कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से जाइए, कोई तमाशा नहीं हो रहा। अभी होने वाला। कैलाश। यस। यस। इनसे पूछो ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। क्यों जी, व्हाट इज दिस? आपको मालूम होना चाहिए ये मेरी होने वाली बीवी है, हमारी मंगनी होने वाली है, वी आर मैडली इन लव, समझे आप? समझ गया। तो आप जाइए, गो गो।
अच्युत है। आप तो ऐसे हंस रहे जैसे आप 5 मिनट में पहिया बदल देंगे। जी 2.5 मिनट में। तो बदलिए। एक शर्त पर, केस चार्ली चैपलिन के बजाय आप मेरे साथ रानीखेत जाएंगे। आपको कैसे मालूम मैं रानीखेत जा रही हूँ? क्योंकि यह रास्ता रानीखेत को जाता है, लंदन या पेरिस को नहीं। ओके, मुझे शर्त मंजूर है। सुनिए, अच्छा दोस्त और अच्छा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। चाली हो नरारी लरारी लरारी लरारी। बजरंग बली की जय, या माला कर मदद। काम खत्म हो गया, मेरी फीस मिलेगी। पहले काम पूरा कीजिए, ये सामान पीछे रखिए। श्योर श्योर। आपकी गाड़ी को रस्सी से खींचकर अगले गांव तक पहुंचा दिया जाए, वहां आपको मैकेनिक मिल जाएगा। तो फिर वही कीजिए। लेकिन एक शर्त पर, आप मेरे साथ जीप में बैठकर जाएंगे। व्हाट? ओके, कैलाश तुम गाड़ी लेकर आना। चलिए। ख्याल रहे, मेरी होने वाली वाइफ से जरा बदतमीजी की तो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, समझे? श्योर श्योर।
कमाल है, आपको मेरी किसी भी अदा से दिलचस्पी नहीं, आखिर को हमारी शादी होगी तो किस तरह? शादी? एग्जैक्टली, मैंने आपको गाड़ी में बैठने पर मजबूर किया तो सिर्फ एक कारण से। मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, शादी करना है या नहीं? नहीं। तो फिर किससे कीजिएगा शादी? भाई चार्ली से? उनका नाम चार्ली नहीं, मिस्टर कैलाश है। क्या फर्क पड़ता, आप कोई भी नाम रख लीजिए, लेकिन इस सूरत पे नाम एक ही खपता, चार्ली। यकीन है तो मुड़ के देख लीजिए, देखिए 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 देखिए। यकीन जानिए आप पर इस इंसान का कोई जोड़ नहीं, और इस बात को आप भी खूब समझती हैं। कैलाश बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत से अच्छे आदमी सिर्फ भाई बनाने के लायक होते हैं। डोंट टॉक रबिश। ओके ओके ओके, लेकिन याद रखिए, चार्ली आपकी जिंदगी तबाह करके रखेगा। जहां आपने किसी से हंस कर बात की, चलेगा, कुड़ेगा, झगड़ा करेगा। नॉनसेंस, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। भरोसा इतना सा नहीं, कही तो साबित करके दिखा दूं। दिखाइए। ओके ओके। देखा? देख लिया, और अब आप ठीक बैठिए। डर गई? बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे, करार हो गया हो, राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे, करार हो गया, वल्ला प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया। उल्फत में काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम, उल्फत में काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम, होना था दिल को शिकार हो गया, अब तो प्यार हो गया, प्यार हो गया, हाय प्यार हो गया, प्यार हो गया। चला जाएगा फिर कोई पछताएगा, कोई चला जाएगा फिर कोई पछताएगा, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, कोई था उन पे निसार हो गया, जी प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया। राही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे, इकरार हो गया, वल्ला प्यार हो गया, प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया।
वापस ले चलिए। सॉरी, मैं कैलाश बाबू को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जा सकता हूँ। नहीं ले जाएंगे वापस। सॉरी। सुनिए, अच्छा दोस्त और अच्छा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। टैली हो। तुमने मुझे बुद्धू समझा है, बट आई एम नॉट अ फूल। यू आर अ फूल। इसलिए तुम मेरी आंखों के सामने उस मवाली से फ्लर्ट कर रही थी। कैलाश, तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। पति? ऐसे शक्की इंसान से मैं शादी करने को हरगिज तैयार नहीं। हाँ जी, अब क्यों करोगी? उससे मोहब्बत जो हो गई है। ऑल राइट, हो गई है, जो जी में आए वो कर लो। नीता, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहरूंगी, आंटी के आने तक मैं होटल में ठहरूंगी। प्लीज नीता। जी हाँ बाबूजी। कैसा वाक्य है जालीकोट? क्या पकते हो जालीकोट? अच्छा हुआ चली गई, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी लड़की को बदनाम करते हो? Shut up, चालीकुट। मुझे मालूम ही था ये बेवकूफ जरूर कोई ना कोई ऐसी। बहन, अच्छा हुआ कि रूप मिल गया, वरना नीता इस नालायक के साथ कभी सुखी नहीं रहती। मेरा बेटा मिल जाए जब की बात है ना। बहन, अब मिलने में क्या कसर बाकी है? राणा रघुवीर के घर का पता मिल गया है, वो कहीं अकेले गए हैं। पड़ोसियों से मालूम हुआ है कि उनका बेटा आज ही रानी खेत गया है। बस हम रानी खेत पहुंचे नहीं कि जालीगुड आपका बेटा आपको मिल जाएगा। आप कहें तो आज ही से शुरू कर देते। वंडरफुल, वंडरफुल। तो मैं आज डिनर के बाद म्यूजिक का ऐलान कर दूं। ओके, वंडरफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी तफरीन के लिए आज से हर रात डिनर के साथ नाचो गाने का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। तो लीजिए सुनिए, नैनीताल के देवनार क्लब के मशहूर ड्रम प्लेयर मिस्टर राजा का मधुर संगीत। मैं घर ले जाने आया हूँ। मैं घर नहीं जाऊंगी। हाँ जी, अब क्यों जाओगी? तुम्हारा चाहने वाला जो यहाँ मौजूद है। Thank you.
नहीं खोलोगी? नो। नीता हाथ से निकल चुकी है मिस्टर कैलाश, और नीता के साथ उसकी दौलत। क्या बात? अभी बताता हूं, आइए बैठिए। कौन हो तुम? आपका भाई। भाई? कौन? मेरा बेटा कैलाश। ये कौन? हमारे पिता। ये क्या बकवास है? इन्हें पहचानते हो? ये मेरे पिता की तस्वीर है। अब इनकी सूरत गौर से देखो। गुड लॉर्ड, लेकिन ये तो जिंदा है। इन्होंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था कैलाश, ताकि एक दिन तुम जमुना की जायदाद के मालिक बनो। सब कुछ तुम्हारे लिए कैलाश, और आज कई सालों के बाद तुम्हारी याद हमें यहाँ खींच कर ले आई। मेरी याद? हाँ, या दौलत की लालच? दौलत? छे 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 छे, दौलत क्या चीज है? अरे मेरी दौलत तो ये है, ये हैरत है कैलाश, अपने बाप और भाई से मिलकर तुम्हें कोई खुशी नहीं? हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। मेरी मदद या अपनी मदद? लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं, जमुना ने अपनी आधी जायदाद अपने बेटे रूप के लिए रखी है, और आधी जायदाद नीता के नाम लिख दी। और फिर भी आधी जायदाद मेरी हो सकती है और आधी तुम्हारी। कैसे? बैठो। नीता से शादी का ख्याल छोड़ दो। व्हाट? नीता की शादी रूप से होगी। रूप? इस होटल के बैंड मास्टर राजा का असली नाम रूप है। नो। यस। फिर तो सारी जायदाद उसे मिल जाएगी। नहीं मेरे भाई, जिस रूप से नीता की शादी होगी वो राजा नहीं, मैं होऊंगा। तुम? हाँ, नीता से शादी करके आधी जायदाद मुझे मिलेगी और रूप की आधी जायदाद तुम्हें। कैसे? मेरे कहने पर चलोगे? जरूर। मिलाओ हाथ। Bicycle and came home. One second, one second. I've never given them a talking. I just found out. You know what he says? In that case, you're four. You're younger than me, old boy. Excuse me. Hello.
गुड मॉर्निंग। मैं बैठ सकता हूँ? नहीं। ओके ओके। वापस आ जाऊं? नफरत है मेरी जिंदगी में, काफी उलझने हैं। कैलाश बाबू की उलझन? आप सामरी के आदमी हैं? मैं खुद सामरी हूँ। आप सामरी क्यों बने? आपके लिए। लेकिन आपकी कोशिश बेकार है। अगर आपका साथ हो तो? नहीं, दिल तोड़कर जीना आसान नहीं। प्लीज, सारा जीवन आंसुओं में डूब जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। प्लीज चले जाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं एक लफ्ज भी मानने को तैयार नहीं। नीता बहुत अच्छी बच्ची है, इसने जो कुछ किया है वो तुम्हारे बदतमीजी से तंग आकर। मेरी बदतमीजी नहीं, उस ड्रम प्लेयर राजा की मोहब्बत में। आपको पता नहीं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। बकवास बंद करो। माफ कीजिएगा, मुझे कैलाश बाबू से मिलना है। यस। ओ, तो आप ही हैं। नमस्ते। कहिए जी, एक साहब आपके होटल में आकर ठहरे हैं। ये खत उन्हीं के नाम है, क्योंकि इस समय वो होटल में नहीं और मुझे आज ही वापस नैनीताल जाना है, इसलिए मैंने सोचा ये खत होटल के मालिक के हवाले कर दो। आपने मुझे क्या समझा है, मैं आपका पोस्टमैन हूँ? जी ये बात तो नहीं है। किसके नाम है ये खत? जी है मिस्टर रूप के नाम। लाइए, मैं दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। पढ़ना तो भैया।
प्यारे बेटे, रास्ते में किसी ने मेरा सारा रुपया चुरा लिया। शायद मेरी आंखें मेरी किस्मत में नहीं। बरेली में मुरली के किसी दोस्त के यहाँ हम ठहरे हैं। यहाँ के जनरल पोस्ट ऑफिस के पते पर इतना रुपया भेज दो कि मैं वापस आ सकूं। तुम्हारा पिता राणा रघुवीर। चालीगुड चालीगुड। बहन, ये रोने का दिन नहीं, खुशियां मनाने का दिन है। एग्जैक्टली आंटी, भगवान ने मेरी दुआ सुन ली, आई एम वेरी हैप्पी। बहन, ऐसा करते हैं, रूप के नाम से राणा को रुपए भिजवा देते हैं। लेकिन एक बात है, रूप वाली बात रात रहना चाहिए। कौन जाने वो अपने पिता की तरह आपसे नफरत करता हो। आप ठीक कह रहे हैं भैया। देखो कैलाश। नेवर आंटी, आपका राज मेरा राज है। यस, आप राणा रघुवीर जी के बेटे मिस्टर रूप हैं? जी। हम तुम्हें से मिलने आए हैं बेटा। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी को जानती हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीता देवी और मैं इनका भाई समान। ओह, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे पिताजी को कैसे जानती हैं? बहुत दिनों की बात है, कभी वो मेरे बहुत पास रहते थे। हो, यानी कि आप कभी उनकी पड़ोसन थी। तो फिर तो आप उनकी पत्नी को भी जानती हो? तुम्हारा मतलब है तुम्हारी माँ? जी। अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मिलोगे उससे? जी नहीं, इस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी। तो क्या आपने मुझे बचपने में देखा था? देखा? तुम्हारा बचपना मेरी गोद में गुजरा है। जाहिर है, जब बच्चे की मां मुंह मोड़े तो भगवान किसी ना किसी के दिल में तो रहम डाल ही देता है। तुम्हारे मां ने तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। आपको मेरी माँ की वकालत करने की जरूरत नहीं है। शायद आप मेरे पिता के बजाय उनकी दोस्त हैं, और आपसे कुछ नहीं छुपा है। आज ये भी मालूम कर लीजिए, मुझे अपनी माँ से नफरत है, बेहद नफरत। आप किस लिए रो रही हैं? इतनी नफरत करना अच्छा नहीं बेटा। मुझे बेटा ना कहिए, सिवाय मेरे बाप के मेरा कोई नहीं। ऐसा ना कहो, मैंने तुम्हें औलाद की तरह चाहा। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेकर चले गए तो मैं दिन रात रोई हूं, तड़पी हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बात यह है कि आज तक सिवाय मेरे पिता के मुझे किसी ने नहीं चाहा। मुझे मौका दो बेटा, फिर देखना कि तुम्हारे पिता से मैं तुम्हें कम नहीं चाहती। क्या मतलब? मैं चाहती हूं तुम मेरे पास बेटे की तरह रहो। बेटे की तरह? माफ कीजिएगा, मैं यहाँ किसी का बेटा बनने नहीं आया, मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आया था। नौकरी मिली नहीं, इसलिए कल वापस नैनीताल जा रहा। अपने पिता के पास? जी, वो तो आजकल आंख के ऑपरेशन के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ये अंदर कौन है? मेरा कुत्ता, अगर बंद करके ना रखू तो किसी ना किसी को काट खाएगा। ओ, जॉली गुड जॉली गुड। तुम अपने पिता के साथ नहीं गए? जी, सच्ची बात तो यह है देवी जी, मैंने उन्हें सामान गिरवी रखकर आंख के ऑपरेशन के लिए भेजा। उन्हें कुछ पता नहीं कि मेरी नौकरी जाती रही। उन्हें यह सब बताऊं भी तो भी किस दिल से, वो खुद ही काफी दुखी है। जानती हैं, उनकी सबसे बड़ी तमन्ना मेरी शादी। जाते जाते जब मैंने कहा पिताजी आपकी आंखें अच्छी हो जाने पर मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं, बोलिए क्या दूं? तो बोले वायदा करो, जो मांगूंगा दोगे। तो मैंने कहा वायदा करता हूं। तो कहा जब वापस आऊं तो मेरे स्वागत में अकेले ना आना, तेरे साथ तेरी दुल्हन भी हो। उन्हें क्या पता कि मेरी शादी शायद कभी ना हो सके। क्यों? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती।
अगर मैं तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से कराऊं तो? वो मेरे पास दौलत ढूंढेगी। उसे दौलत की परवाह नहीं, तो सूरज शक्ल देखकर शादी करेगी शायद। सूरज शक्ल का जादू तो चंद्रोज में उतर जाता है और फिर वही अंजाम होता है जो मेरे पिता की शादी का हुआ था। मैंने फैसला किया है देवी जी, मैं शादी करूंगा तो एक ऐसी लड़की से जो शादी के पहले ना मुझे जानती हो और ना देखा। फर्ज करो मैं ऐसी लड़की ढूंढ निकालूं तो? लेकिन मैं उसे शादी के पहले जरूर देखूंगी, दिखा दूंगी। मुझे शादी मंजूर है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। आंटी, होने वाली शादी मुबारक हो। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, आपकी गाड़ी आ गई है। मैं जाकर देखता हूँ। क्या बात है, कौन था ये? कोई नहीं। अच्छा तो बेटा अब मैं जाती हूँ, आज रात को होटल में नाच गाने का प्रोग्राम है, मैं उस लड़के को साथ में लेकर आऊंगी, तुम देख लेना। बेहतर। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आओ बेटी, इधर बैठो मेरे पास। क्या हुआ बेटी, कैलाश से झगड़ा हुआ क्या? जी नहीं, वो बात ये हुई के क्या जी? अगर आपका साथ हो तो? नहीं, दिल तोड़कर जीना आसान नहीं। प्लीज, सारा जीवन आंसू में डूब जाएगा। नहीं नहीं। क्या हुआ बेटी, कहो ना। आंटी जी, आपके मुझ पर बहुत एहसान है, आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन 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 मैं कैलाश बाबू से शादी नहीं करना चाहती। मैं मजबूर हूँ आंटी जी, मैं मजबूर हूँ। अच्छी बात है बेटी, तुम्हारी शादी कैलाश से नहीं होगी। राजा को भेज दीजिए। नहीं, वो तो नौकरी छोड़कर चले में गए। ये देखिए उनका इस्तीफा। मोहब्बत करने वाले सारी दुनिया छोड़ के एक इंसान से नाता जोड़ लेते हैं, लेकिन आज मोहब्बत एक खेल है। चंद आंसू बहाए और कह दिया मेरी जिंदगी से दूर चले जाइए, चाहे इसमें किसी की जिंदगी क्यों ना तबाह हो जाए। ठीक है, मैं आपकी खुशी पूरी करूंगा। जब यह खत आपको मिलेगा मैं आपसे दूर जा चुका होऊंगा, आपकी जिंदगी से दूर। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा दोस्त और अच्छा पति किस्मत वालों को ही मिलता है। बहुत नाराज है? यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी। न बुतखाने को जाते हैं न काबे में भटकते हैं, जहां तुम पांव रखते हो वहां हम सर पटकते हैं। हाय, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। आप क्यों जाते हैं? अगर आप इतने ही नाराज हैं तो मैं आप ही चली जाती हूँ। बाय बाय। लेकिन याद रखिएगा, अच्छा दोस्त और अच्छी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। नीता! जाते कहां हो,
आंटी को पूरा सबूत दूंगा तुम्हारी मोहब्बत का। वेट। नीता। गधा कहीं का। हियर वी आर। अब आप जाके रिहर्सल कीजिए, मैं सामान लेकर घर जाऊंगी। ओके, टैली हो, बाय बाय। मैंने कहीं देखा है तुम्हें। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम यही रहते हो क्या? जी नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ। काम? क्या काम? जी मैं इस होटल का बैंड मास्टर हूँ। तुम्हारा नाम राजा है? जी। और आप शायद नीता की आंटी है ना? मिस नीता को, वो इस होटल के मालिक है और तुम उसके मुलाजिम। वो तुम्हारी बराबरी की नहीं। Thank you.
करने की कोई जरूरत नहीं। जो जायदाद मैंने रूप के लिए रखी है वो तुम्हारे नाम कर दूंगी, फिर तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। जायदाद मेरे नाम रूप और नीता की शादी से पहले की जाएगी। मुझे मंजूर है। फिर मुझे कोई एतराज नहीं, आफ्टर ऑल आंटी आपकी खुशी मेरी खुशी है और फिर मैं तो आप ही। बेटी आज शाम को तुम मेरे साथ होटल चल रही हो। होटल? हाँ आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम तो कभी नहीं हुआ था। जाली गुड, ऐसा प्रोग्राम तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ। नीता अपनी सहेली से मिलने के लिए गई है, वो आएगी तो हॉल में भेज। जी बेहतर जी। मैंने कहा ये अकेली आई है, नीता नहीं आई। जी नीता, नीता क्या लगा रखा है तुम्हें? नीता तुम्हारी मालकिन है और तुम उसके नौकर। आज के बाद अगर नीता का नाम भी तुम्हारी जबान पर आ गया तो नौकरी से फौरन अलग कर दूंगी, समझे? महफिल में बिजली सी चमकी दिल में, उजला मुखड़ा काला तिल, होंठ गुलाबी जैसे दिल, रंग बदन तौबा तौबा, तू न मिली तो क्या होगा, हाय ओ दिलरुबा मेरी नीता। मेरा दिल यूं तूने आंख झुका ली क्यों तूने, तूने यही सोचा होगा, सुनती है महफिल क्या होगा, क्या होगा ये किसको पड़ी, होश कहाँ जब आंख लड़ी, आंख लड़ी दिल हार दिया, तेरी अदा ने मार दिया, हाय ओ दिल रुबा मेरी नीता। किया है तो फिर निभाना, आज खुल के यूं आंख मिलाना, देखता रहे मुंह ये जमाना, ओ 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 ओ, जैसे गिरे शम्मा पे परवाना, तू भी आजा क्या करेगा जमाना, जैसे कोई टूटता है सितारा, झूम के आ थाम ले हाथ हमारा, जैसे कोई मौज उठे बल खाके, आजा आजा आ भी जा लहरा के, हाय ओ दिलरुबा मेरी नीता।
तेरी बाहों में जलते हैं दीपक राहों में, जलते हैं दीपक राहों में, ख्वाबों की बस्ती है जमीन, आज है दुनिया कितनी हसीन, आज है दुनिया कितनी हसीन, दिल से दिल का साथ रहे जीवन भर ये रात रहे, दिल से दिल का साथ रहे जीवन भर ये रात रहे, हाय मुझे याद फरमाया क्या मतलब था इस बदतमीजी का? कौन सी बदतमीजी? नीता कोई तुम्हारी बराबरी की नहीं है, क्या मतलब है उसे इस तरह से मिलने मिलने का? मतलब तो साफ जाहिर है। क्या? मुझे नीता से मोहब्बत। मोहब्बत? जी मोहब्बत। महलों का ख्वाब देखने से पहले जरा अपने औकात पर नजर डालो। कौन हो तुम? कौन जानता है तुम्हें और तुम्हारे खानदान को? तुम इस होटल के एक मामूली मुलाजिम, वही होटल जिसकी नीता मालिक है, जिसकी तुम रोटियां खाते हो, और तुम्हें दावा है उससे मोहब्बत का? जी मुझे ही नहीं नीता को भी मुझसे मोहब्बत का दावा है। खामोश, अब एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो नौकरी जाएगी। हा? आप तकलीफ ना कीजिए, मैं खुद ही छोड़कर जा रहा हूँ। और ये शहर भी? शहर की तो आप मालिक नहीं। मैं तुम्हारी सब चाले जानती हूँ। नौकरी छोड़कर तुम नीता पर और एक एहसान जताना चाहती हो कि देखो तुम्हारे खातिर नौकरी से निकाला गया। मुझे एहसान जताकर दिल जीतने की जरूरत नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नीता से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि नीता मेरी है और मेरी रहेगी। आपकी दौलत और मुझ में से अगर चुनना है तो वो आपकी दौलत को ठोकर मारकर मेरा हाथ थामेगी। अगर किसी और का हाथ होता तभी तोड़कर रख देता, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारी सूरत मुझे उस देवी की याद दिलाती है जिसके लिए मैं जीवन भर तरसा। ना जाने क्यों तुम्हारी आंखों में मुझे उसकी आंखें नजर आती है। जानती हो कौन मेरी मां? चाहूं तो इस चांटे का जवाब दे सकता हूं, लेकिन नहीं, समझूंगा मेरी मां ने चांटा मारा। अगर तुम मुझे मां समान समझते हो तो मैं भी तुम्हें बेटा मानने को तैयार हूं, लेकिन नीता का पीछा छोड़ दो। अगर मेरी मां इस वक्त मेरे पास होती तो जानती हैं आप वो क्या कहती? वो कहती, बेटा नीता का हाथ कभी नहीं छोड़ना, उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे मेरे पास लाना। मां बनना इतना आसान काम नहीं थे विजय, पहले मां बनना सीखिए। तू क्या जाने मैं अपने बेटे को कितना चाहती हूँ, उसकी खुशी के खातिर अगर जरूरत पड़े तो मैं तेरी जान तक ले सकती हूँ। आपने अच्छा ही किया जो उसे नौकरी से निकाल दिया। मुझे यकीन है कि नीता को उस लफंगे से कोई मोहब्बत नहीं है। जैसे ही नीता की शादी रूप से हुई वो भूल कर भी उस बदमाश राजा का नाम जुबान पर नहीं लाएगी। बाबू जी आपने मुझे बुलाया? तुम आंटी से बात करो। आंटी जी क्या बात है? आंटी जी आप रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी के आंसू है बेटी, जिनकी मैंने जीवन भर तलाश की वो मुझे मिल गए। कौन? चाचा जी? हाँ, वो आंख के ऑपरेशन के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन मेरा बेटा रूप मुझे मिल गया। आपका बेटा?
और तू जानती है बेटी, वो नैनीताल से आकर मेरे होटल में ठहरा था और मुझे खबर तक नहीं। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। लंबा कद, चौड़ा सीना, गोरा रंग, कितना खूबसूरत लगता है। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाई? वो ऐसे थोड़ी ही आएगा, वो यहाँ आएगा तो दूल्हा बनेगा, तुझे ब्याह नहीं था। मुझे? हाँ बेटी, जब मैंने कैलाश से तेरी मंगनी तोड़ी तो इसी ख्याल से कि तेरी शादी अपने बेटे रूप से करूंगी। तू उसे होटल में देख चुकी है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं वो कौन है। मैंने उसे वादा किया, वो अपनी असलियत तुझसे शादी तक छुपाना चाहता है, और तू भी उसे कुछ नहीं बताना। अरे रे, कहाँ चली बेटी? मैं तेरी शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ, मुझे तुझसे बहुत सी बातें करनी है। मैं आपसे फिर बात करूंगी, इस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी मुझे ज्यादा लिखने पढ़ने की इजाजत नहीं, घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा। तुम्हारा पिता। राजा, राजा, मिस्टर रूप, प्यारी राजा बेटी, तुम्हें सुनकर खुशी होगी मेरी आंखों का ऑपरेशन कामयाब रहा, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अभी मुझे ज्यादा लिखने पढ़ने की इजाजत नहीं, घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे आके मिलूंगा। तुम्हारा पिता राणा रघुवीर। राणा रघुवीर। राजा बेटी, रूप, रूप और राजा दोनों एक ही है? वो आंख के ऑपरेशन के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन मेरा बेटा रूप मुझे मिल गया है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। लंबा कद, चौड़ा सीना, गोरा रंग, कितना खूबसूरत लगता है वो। होटल में तू उसे देख चुकी है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं वो कौन है। वो अपनी असलियत तुझसे शादी तक छुपाना चाहता है, और तू भी उसे कुछ न बताना। हेलो, क्या बात है? नैनीताल से आके मेरी होटल में ठहरा और मुझे पता तक नहीं। क्या? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। लंबा कद, चौड़ा सीना, गोरा रंग, कितना खूबसूरत लगता है वो। कौन? मेरा दूल्हा। तुम्हें पता नहीं मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। किससे? नाम बताऊंगी तो तुम बुरा मान जाओगी। नहीं मानूंगा। इतना बता सकती हूँ कि उसका नाम राजा नहीं। नहीं? नहीं। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो बहुत बहुत सुंदर है। क्या नाम है उसका? रूप। रूप? तुम्हें कैसे मालूम मेरा नाम रूप है? Yeah!
जानता हूं, ये भी मुझे जानती है, झूठ बोलती है, अभी रोएगी। चुलबुला है हसीन दिल रुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा तो बोलो जी, फिर क्या कर दीवाना तो बोलो जी, फिर क्या कर दीवाना। ये किसे पता है ये हुस्न की अदा है, तुमको दिल दिया है मगर जरा जरा तो देखो जी, धोखे मियाँ न जाना तो देखो जी, धोखे मियाँ न जाना। यार चुलबुला है दिन, बचपन के शायद जनाब के है दिन, बस इसी अदा पे हम सनम तुम्हारे हो लिए, इस तरह यकीन हमको आइए तो बोलिए, तो सुन लो तो सुन लो तो सुन 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 तो सुन लो जी, कहता है क्या जमाना तो देखो जी, धोखे मियाँ न जाना। यार चुलबुला है यार चुलबुला है।
नीता, कहाँ से आ रही इतनी खुश खुश? जी, किसी से मिलने गई थी क्या? जी, वो आप ही मिल गए। कौन? आपके बेटे। तुम रूप से मिलकर आ रही है? शादी की बात तो नहीं बताई ना? हाँ, मैंने उससे वादा किया था तुझे कुछ नहीं बताऊंगी तेरा दूल्हा कौन है। जानती है ये क्या है? शादी के इनविटेशन कार्ड, कल शाम को है। आओ कैलाश, आप यहाँ कैसे आ गए? तुमसे मिलने बच्चे। लेकिन लेकिन आप अरे सोन ने मुझे कैद करके रखा था, गुलाम बना के। वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। मैं ये सब तुमने क्यों किया? किस लिए? समझी, मेरी जायदाद के लिए। और आज शायद तुम अपने किए हुए पाप की दौलत समेटने आए हो। आंटी, ये क्या मामला है? कौन है ये आदमी? तुम्हारे पिता। पिता? हाँ, आज मुझे देखना है कि तुम किसके हो। इस इंसान के जो कि तुम्हारा बाप है और अपने मतलब के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया था, या मेरे जिसने तुम्हें औलाद की तरह पाला, अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम की। मेरा इस पापी से कोई वास्ता नहीं आंटी जी, मैं तो सिर्फ आपका हूं। तो ये लो, उड़ा दो इसके टुकड़े। अगर ये फरियाद भी करे तो हाथ ना रोकना। बेटा, डैडी, उस बेवकूफ ने मुझे सचमुच पीट डाला, लेकिन हमारी चाल कामयाब रही। जमना अभी आती ही होगी। आप फिक्र न कीजिए, मेरे हाथ से आपको कोई चोट नहीं लगेगी। और जमना पर भी बड़े मजे में साबित हो जाएगा कि मैं उसका बेटा रूप हूं। और उसके बाद? कल रात को 8 बजे मेरी और नीता की शादी है, लेकिन शादी हो जाने से कोई फायदा नहीं। हमारी कामयाबी के लिए नीता और रूप की मौत बहुत जरूरी है। कैसे? यहाँ से निकल के आप रूप के यहाँ जाइए और रूप को किसी तरह से भी नीता से मिलने से रोकिए। कल शाम को उसे शादी की खबर दीजिए, और जब वो जमुना के घर जाने लगे तो आप उसे ये रिवॉल्वर दे दीजिए जिसमें एक चला हुआ कारतूस है। और फिर आपको रूप से पहले जमुना के घर पहुंचना होगा। जैसे ही रूप रिवॉल्वर लिए हॉल में दाखिल होगा, आप ऊपर से नीता पर गोली चला दीजिए। नीता गोली खाकर गिरेगी और लोग समझेंगे कि रूप ने मोहब्बत में हारकर नीता की जान ले ली। एग्जैक्टली, सारी पब्लिक रूप पर टूट पड़ेगी। पब्लिक में मेरा एक खास आदमी होगा जो कि रूप को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वंडरफुल। और अगर प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई तो? हथियार हमारे पास है, अगर जरूरत पड़े तो गोली भी चलाई जा सकती है। क्या कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आखिर तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? मैं बताती हूँ, और इससे पहले कि मैं इसकी असलियत बता दूं, तुम्हें यह भी बता देना चाहती हूं कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी माँ हूं रूप। माँ? माँ? हाँ, वही माँ जिससे तुम्हें नफरत है, लेकिन जिस इंसान की वजह से नफरत करते हो शायद उसे नहीं जानते। कौन? हरिचंद, जो कि इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। ये हरिचंद है? हाँ, वही हरिचंद जिसे हम आज तक मुर्दा समझते रहे, जो मुझ पर मोहब्बत का झूठा इल्जाम लगाकर दुनिया की निगाहों से गायब रहा। लेकिन इसने ये क्यों किया? मेरी दौलत की लालच में। देखो इस इंसान को, यही है वो मुझे जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मुझसे निकल जा यहां से, वरना जाता हूं। मां,
माँ मुझे माफ कर दो माँ, सारा जीवन मैंने तुमसे नफरत की है, कितना बड़ा पाप किया माँ। यह है कौन? मुझे नहीं पता। आप थोड़ा सा गर्म पानी मंगवाइए। क्या बताऊं मां जी, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मैं तो कुछ नर्वस सा हो रहा हूं। परेशान न हो बेटा, मैं शादी के रस्म बहुत सादगी से कर रही हूँ। आज 8 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तैयार रहना। तुम्हारे आते ही शादी की रस्म अदा कर दी जाएगी। मां जी, नीता तो खुश है ना? खुश? वो तो फूली नहीं समा रही है। उसे पता है ना उसकी शादी मेरे बेटे से हो रही है। कल ट्रंक कॉल करके नैनीताल से उसने अपनी सारी सहेलियों को बुला लिया है। हाँ बेटा, ये है शादी का जोड़ा। आज शादी का दिन है, आंटी शादी का जोड़ा लेकर गई हैं। ये सब कुछ उन्हें कल से खबर है। कल दुनिया भर की बातें की लेकिन एक लफ्ज शादी के बारे में नहीं कहा। आखिर वजह क्या है? उनकी तो हर बात निराली है। ओए होए होए, बड़े आ निराले कहेंगे। अभी जाकर तबीयत साफ करती हूँ। क्या मतलब? जाकर कहूँगी रीता ने शादी से इनकार कर दिया है, जब तक आके पाँव नहीं छोगे शादी का जोड़ा नहीं पहनेगी। अभी आएंगे भागे हुए। चंपा चंपा, बड़ी बुद्धू है ये चंपा, वो समझ जाएंगे कि मैंने कहलवाया है, वो कभी नहीं आएंगे। घबराती क्यों हो? शाम को तो आएंगे ही। हेलो हेलो हेलो, आप इस तरफ कैसे आई हैं? शादी के लिए। आपकी शादी हो रही है? हाँ, मुबारक हो। जी मेरी नहीं, नीता की। हा? नीता की? कब है शादी? आज शाम को। और किससे हो रही है शादी? मेरे साहब है मिस्टर रूप। रूप है? मजाक अच्छा सुना आपको? और नीता जो मजाक करने वाली, उसकी शायद आपको खबर नहीं। क्या? उसने फैसला किया है जब तक उसका होने वाला दूल्हा उसका पाँव नहीं छुएगा वो शादी का जोड़ा नहीं पहनेगी। सोच लीजिए। रूप, ये शादी का क्या किस्सा है? कुछ नहीं यार, नीता की मजाक करने की पुरानी आदत है। शादी करेंगे। क्या बात है बाबा? और दर्द हो रहा है क्या? टॉम, मुझसे इस बेचारे की हालत देखी नहीं जाती। तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ, वो कुछ तो करेगा। अच्छा। टॉम, क्या हुआ टॉम? डॉक्टर नहीं मिला, मैं मैसेज छोड़ आया हूँ। क्या बात है बाबा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नीता की शादी मेरे बेटे से हो रही है। आज अभी नीता धोखे में है और जमुना भी। मेरे बेटे ने अपना नाम रूप रखा है, पापी मैं हूँ। हरिचंद तुम्हारा और तुम्हारे पिता का दुश्मन। अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, मैं मरते हुए अपने पाप का एहसास कर रहा हूं। जाओ नीता को तबाही से बचाओ। ठहरो, तुम इस रावण नहीं जा सकते। जमुना के आदमी लाठियां लिए हुए तुम्हारे लिए तैयार है। ये लो, इसमें 3 कारतूस मौजूद हैं। याद रखना,
ये पिस्तौल हाथ में लिए हुए हॉल में दाखिल होना, वरना वो लोग तुम्हें निहत्था समझकर मार डालेंगे, मार डालेंगे तुम्हें, मार डालेंगे। ये बेचारा तो मरने ही वाला है, तुम समय बर्बाद ना करो, जाओ नीता को बचाओ जाकर। हाथों में मेहंदी लगाई, सुना था प्यार करने वाले हाथ बढ़ा देते हैं, प्यार का दामन नहीं छोड़ते। नीता, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। बेटे, आपने मुझे धोखा दिया है आंटी। मुझे नहीं पता था जिस रूप से मेरी शादी हो रही है वो ये अजनबी इंसान है। मैंने सब कुछ तेरी मर्जी से किया है बेटी। तूने मेरे बेटे रूप के साथ शादी करने का वादा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था जिस रूप से। राजा, तुम्हारा असली नाम क्या है? रूप। तुम्हारे पिता का नाम? राणा रघुवीर जी। वही राणा रघुवीर जी जो अपनी पत्नी से रूठ के चले गए थे बहुत साल पहले? हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? आंटी, मैंने आपके बेटे से शादी करने का वादा किया था। आपका बेटा वो नहीं, ये है। नीता, दिमाग खराब हो गया है तेरा? क्या ये राणा रघुवीर जी की पत्नी है? हाँ, वो देखो दोनों की तस्वीर सामने। बचपन से सुना था मां जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं। जिस इंसान को मां की ममता नसीब नहीं हुई, उस जैसा कोई पद नसीब नहीं। दूसरी माओ को अपने बच्चों से प्यार करते हुए देखा करता था और अपने आप से कहा करता था कि मेरी भी कोई मां होगी। मैं उससे दूर सही, लेकिन उसके दिल से दूर नहीं हो सकता। पिताजी से तो कुछ पूछ ना सका, लेकिन दिल ने मां की एक ख्याली तस्वीर बनाई थी, और यकीन जानो वो यही सूरत थी मां। यही सूरत थी मां। तुम्हारी बातों का जादू मुझ पर नहीं चल सकता। मैं जानती हूं तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर मैं तुम्हारा बेटा नहीं मां, तो फिर दुनिया में तुम्हारा कोई बेटा नहीं। तुम्हारी इन बातों से नीता धोखा खा सकती है, मैं नहीं। ये धोखा नहीं है आंटी जी, ये सच है। मैंने इनके घर राणा रघुवीर जी की चिट्ठी देखी है। चिट्ठी चुराई भी जा सकती है पगली? तू इसके बातों में ना आना मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मेरा बेटा कौन है। तुम कुछ नहीं जानती माँ, कुछ नहीं। सबसे पहले बहुत से इंसानों ने धोखा और फरेब का खेल खेला, लेकिन अंजाम सबका एक ही हुआ, तबाही और बर्बादी। शायद तुम इस धोखे में कि तुम्हारा राज यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? यही कि तुम्हारे पिता का नाम राणा रघुवीर जी नहीं है। तो फिर क्या है?
हरिचंद। सुना आपने माँ जी? हरिचंद जिसकी मैंने जान लेते लेते छोड़ी, वो मेरा पिता है। आगे थे। और इस वक्त जबकि तुम दूल्हा बने शादी रचा रहे, तुम्हारे पिता की लाश मेरे घर में पड़ी है। जवाब नहीं आपके चला दिमाग का, लेकिन सोचने की बात यह है, अगर हरिचंद मेरा बाप होता तो उसकी लाश आपके घर में नहीं मेरे घर में होती। दरअसल ये कहकर आपने अपनी असलियत जाहिर कर दी। शायद आप खुद हरिचंद के बेटे हैं और अपने पिता की पुरानी दुश्मनी हमारे खानदान से निकालने आ... और क्यों ना हो, जो दौलत तुम्हारे पिता मरते मरते हासिल कर सके वो तुम नीता को फंसा के हासिल करना चाहते हो। कमीने जलील, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाए। रामू ललित, निकाल दो बदमाश को मार मार के। माँ तुम्हें धोखा है माँ, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तुम्हारा दुश्मन है माँ, तुम्हारा दुश्मन है माँ। ये रोकिए, रोकिए, रोकिए। माँ माँ मुझे पहचानो, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा बेटा माँ। ये देखो माँ, ये देखो, ये तुम्हारा अपना खून है। रूप, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल, ये क्या हुआ तुझे? मेरे बेटे, मेरे लाल, ये क्या हो गया तुझे? माँ से कुछ ना कहिए, वो निर्दोष है, वो देवी है पिताजी, देवी। जलील बाप के जलील बेटे, एक माँ की ममता का मजाक उड़ाने का क्या अंजाम होता है ये तुझे आज पता चलेगा। कैसे? तू यहाँ से उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक तुझे अपने बाप की सजा नहीं मिल जाती। कौन रोकेगा मुझे? मैं। औलाद का सीना चाहिए जिसे अपनी जान प्यारी ना हो, सामने आए। अच्छा मेरे रास्ते से। अपने पापों का अंजाम हरिचंद, तूने मेरा घर उजाड़ना चाहा। देख, भगवान ने आज तेरे हाथों तेरे बेटे की जान ली। इतना खुश न हो राना, मेरी और तुम्हारी दुश्मनी का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे बेटे का खून देख चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें अपने बेटे रूप का खून देखना है। समझ आओ रूप।
तुम्हारी माँ मेरी गोली का निशाना बने खड़ी है। मैं सिर्फ 10 सेकंड इंतजार करूंगा, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो तुम्हारी माँ को गोली मार दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे आओ। मगर एक शर्त पर। प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया, प्यार हो गया।